guys, I, Arul Sadia, welcomes you to my YouTube channel, AS Classes. I hope all of you are doing well. If you people like my videos and content, then please do like, share and subscribe my channel. And those who are new to my channel, please do subscribe it. So, in today's class, we are going to start with Class 8th Geography, Chapter 1, named as Resources. Resources is Sansadhan. Now, when we talk about resource, what are they? Anything that can be used to satisfy our need. कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस जिससे हम अपनी नीड को सेटिस्फाई कर सके उसको हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स. बट क्या रिसोर्स इतना इजीली हम किसी भी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस को बोल देंगे? नहीं. उसको रिसोर्स बोलने के लिए उसको कुछ क्राइटेरियाज जो हैं उसको फुलफिल करना पड़ेगा. और वो क्राइटेरियाज क्या है? उसकी कोई यूजिबिलिटी हो, यूटिलिटी हो, या उस चीज की कोई वैल्यू हो, तभी उसको क्या बोला जाएगा, रिसोर्स बोला जाएगा. अब सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. वाटर को हम बोलते हैं रिसोर्स. वाटर जो है हमारा रिसोर्स है. अब वाटर जो है उसकी यूजिबिलिटी, यूटिलिटी और वैल्यू है. वाटर जो है हमारे ह्यूमन बीइंग्स के सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर वाटर नहीं होगा तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. हमारी अर्थ जो है वो 71% किससे कवर्ड है? वाटर से. आर अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर. ओके, नाउ आउट ऑफ दिस 71% ओनली 3% वाटर इज अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ फ्रेश वाटर. और उस 3% फ्रेश वाटर में से भी ओनली 1% ऑफ वाटर इज अवेलेबल टू अस विच इज फिट फॉर आर ड्रिंकिंग पर्पस. मतलब हमारी अर्थ जो है वो टोटल वाटर से कवर्ड है, 71% वाटर से कवर्ड है, और उस 71% में से भी सिर्फ 3% वाटर जो है वो क्या है, फ्रेश वाटर है. और उस फ्रेश वाटर में से भी ओनली 1% वाटर ऐसा है जो हमारे ड्रिंकिंग पर्पस के लिए फिट है. तो हमारी इसकी यूजिबिलिटी हुई कि हम उसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए वाटर जो है उसको यूज करेंगे. यूटिलिटी, हम उसको हमारा जो हमारी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या म्युनिसिपैलिटीज हैं, ये जो है ये हम ह्यूमंस तक अपनी नीड को पूरी करने के लिए उसको कैसे पहुंचाते हैं, हाउ वी यूज देम. वो रिवर से उस वाटर को लेके हमारे घर का जो टैप है वहां तक कैसे पहुंचाते हैं उस वाटर को, दैट इज इट्स यूटिलिटी. और उसकी वैल्यू तो है ही. क्यों? क्योंकि वाटर हमारे सर्वाइवल के लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो वाटर जो है वो हमारी तीनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, तीनों क्राइटेरियाज को फुलफिल कर रहा है. दैट्स व्हाई वाटर इज रिगार्डेड एज अ रिसोर्स. तो अब आपको समझ में आया, रिसोर्स एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड. अ थिंग कैन ओनली बी कॉल्ड अ रिसोर्स इफ इट हैज अ वैल्यू. अगर उस चीज की कोई वैल्यू होगी तभी उसको क्या बोला जाएगा, रिसोर्स बोला जाएगा. और उसकी कोई यूटिलिटी होगी तभी उसको हम रिसोर्स बोलेंगे. तो वाटर जो है उसकी वैल्यू भी है, यूटिलिटी भी है, यूजिबिलिटी भी है, इसीलिए वाटर को हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स. Now this is usability, utility, how we use a thing, value, उस चीज की worth कितनी है. तो value जो है वो दो तरीके से होती है, economic value और non-economic value. Economic value क्या है, हमारे जितने भी metals हैं उनकी economic value है, जैसे कि silver, copper, iron, lead, ये सब क्या है, हमारे metals हैं और इनकी क्या है, एक economic value है. और नॉन इकोनॉमिक वैल्यू में क्या आ जाएंगे, लैंडस्केप है, उसकी भी अपनी वैल्यू है. क्या वैल्यू है, कि वो हमें बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, जब हम उसे देखते हैं तो वो पीस मिलता है. तो इट हैज अ डिफरेंट वैल्यू, बट उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है लैंडस्केप की. आई होप इट इज क्लियर. नाउ वन टर्म पेटेंट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी. एज ऑल ऑफ यू नो दैट वी आर कवरिंग योर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, सो आई ट्राई टू कवर each and everything that is given in your NCERT. So there is one term called as patent given in your NCERT. It means the exclusive right over an idea or invention. Patent का मतलब होता है हमारा exclusive right है इस idea और invention के ऊपर. जैसे कि अभी चंद्रयान 3 गया है तो हमारे इंडिया के इसरो का उस पर पूरा अधिकार है, patent right है कि ये हमारे इंडिया जो है वहां पर गया है. चंद्रयान 3 किसका है, इंडिया का है. होल सोल हमारा इंडिया का राइट है उस पे. तो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज पेटेंट, कि हमारा ही उस पे पूरा का पूरा हक है, दायित्व है हमारा, राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन.
आई होप इट इज क्लियर वॉट इज रिसोर्स. कोई भी चीज जो हमारी नीड को फुलफिल करे उसको हम रिसोर्स बोलते हैं. बट उसको रिसोर्स कहलाने के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज इट शुड हैव यूजिबिलिटी एंड यूटिलिटी. व्हेन अ ऑब्जेक्ट और अ सब्सटेंस हैज यूटिलिटी एंड यूजिबिलिटी देन इट कैन बी रिगार्डेड और कॉल्ड एज अ resource. If it doesn't have a utility or usability, then a thing or an object can't be called as a resource. First, a resource can be defined as a substance or an object that can satisfy our need, but it should have utility and usability. Then only it can be regarded as a resource. Now, resources are of three types. First is natural resource, human made resource, and third one is human resource. Natural resources, what are natural resources? Natural resources are the resources which are given to us by nature, and we use these resources to satisfy our needs. Now human made resources, natural resources are of two types, renewable resources and non-renewable resources. ऐसे resources जो renew हो जाएंगे और ऐसे resources जो renew नहीं होंगे और extinct हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे. उसके बाद आता है human made resource. What is a human made resource? We use this natural resources, we modify them according to our needs and we make new inventions. Technology is also a human made resource. Human का important role है. Human इसके अंदर क्या है, inventions करता है और नए नए resources बना लेता है जिनकी resource होने का criteria क्या है, जिसकी usability और utility हो. Then human resource, human खुद एक बहुत बड़ा resource है. कैसे? Human खुद एक individual है और वो बहुत बड़ा resource है. किस तरीके से? Human जो है, हर human different है, उसकी physical ability different है, उसकी mental ability different है, उसकी intelligence different है, और वो उस intelligence को, mental ability को, physical differences को use करके बहुत new inventions करता है, जिससे क्या है, new resources बनते हैं और हम इस natural resources को और modify कर सकते हैं और हम क्या है, उनको और नए resources में convert कर देते हैं. That is a human resource. ह्यूमन अपने आप में ही एक रिसोर्स है. नाउ देयर इज वन टर्म गिवन इन यू एनसीईआरटी नेम्ड एज स्टॉक ऑफ रिसोर्स. इट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूजेस. टोटल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है हमारे यूज के लिए, उसी को क्या बोलते हैं हम, स्टॉक ऑफ रिसोर्स. स्टॉक होता है ना कि हमारे इतना सामान है, ये हमारे स्टॉक में है, इसकी अवेलेबिलिटी है, ये सामान जो है वो लैक हो रहा है, उसको हमें फुलफिल करना है. सो दैट इज अ स्टॉक ऑफ रिसोर्स. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज रिसोर्सेज इन डिटेल. व्हेन वी टॉक अबाउट नेचुरल रिसोर्स, रिसोर्स दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर, जो कि हमें नेचर से मिलते हैं, ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्स. और इनको हम बिना ज्यादा मॉडिफाई किए इनको हम यूज कर लेते हैं. अब नेचुरल रिसोर्सेज में क्या क्या आ सकता है, वाटर, एयर, लैंड, मिनरल्स, ये सारी चीजें क्या आ सकती है हमारे नेचुरल रिसोर्स में. जैसे कि सॉइल, सॉइल में भी हम ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते. मिनरल्स है, वाटर है, एयर है, इन सब में जो है, इन सब चीजों को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज. ये हमें किसने दिए हैं, नेचर ने दिए हैं. अब ये नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो दो तरीके के होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो वापस से रिन्यू हो जाते हैं, रिप्लेनिश हो सकते हैं. जैसे कि विंड, फॉरेस्ट, वॉटर, सोलर रेडिएशन. अब सपोज फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट जो है हमें पता है डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, बट उस डिफॉरेस्टेशन जो है हम उसको क्या है, रिन्यू कर सकते हैं. किसके द्वारा, रिफॉरेस्टेशन करके. हम जब ज्यादा ट्रीज को प्लांट करेंगे तो वो क्या है, हमारा डिफॉरेस्टेशन कम हो जाएगा. अब वाटर है तो वाटर जो है, वाटर एक्सटेंड होने लग जाएगा, तो जो हमारी वाटर साइकिल है, हमारी बारिश होती है, उससे हमारा जो वाटर का रिसोर्स है वो वापस से फुलफिल हो सकता है. तो ये सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज है जो अगर खत्म हो जाए तो वो वापस से रिन्यू हो सकते हैं इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. बट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज है, वंस देयर स्टॉक गॉट एग्जॉस्टेड, दे टेक ईयर्स एंड ईयर्स टू गेट रिप्लेनिश्ड. इनको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, दे टेक अ लॉन्गर पीरियड एज कंपेयर टू द रिन्यूएबल रिसोर्सेज वंस दे गॉट एक्सटिंक्ट. सो
once they got exhausted. So examples, petrol, crude oil, natural gas, petrol. ये बोलते हैं ना कि अभी हमें क्या साइकिल यूज करनी चाहिए, अदरवाइज हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या है, पेट्रोल बचेगा ही नहीं. वो लोग फोर व्हीलर्स टू व्हीलर्स कैसे यूज करेंगे. अभी के टाइम पे हम कितने ज्यादा पेट्रोल का कंजप्शन कर रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं ना ये एक्सटेंट हो जाएगा, तो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचेगा ही नहीं. कि फ्यूचर जनरेशन को किस पे आना पड़ेगा, वापस से साइकिल पे. सो दीज आर दी टू टाइप्स ऑफ natural resources. What is renewable resources? Are those resources which get renewed or replenished quickly, and non-renewable resources are those resources which has a limited stock. Once get exhausted, it may take thousands of years to get renewed or replenished. Example, petrol, crude oil, natural gas. And renewable resources are wind, forest, water and solar radiations. That's all for our natural resource. It is very simple. Second one is human made resource. As the name suggests, human made. The resources which were made by human are regarded as human made resource. The natural resources are being modified by the humans to fulfill their needs. That are called as human made resource. For example, the natural resources such as forest. फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट को कट डाउन किया जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है. एंड बाय डूइंग डिफॉरेस्टेशन व्हाट वी पीपल आर डूइंग, वी आर मेकिंग बिल्डिंग्स अपार्टमेंट्स ओवर दैट पर्टिकुलर प्लेस. सो वी आर यूजिंग देम टू फुलफिल आवर नीड्स. सो पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी, व्हीकल्स विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. जिन नेचुरल रिसोर्सेज को हम स्किलफुली मॉडिफाई करके यूज कर रहे हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. जैसे कि हमने रोड बना दिया, तो वो क्या है, ह्यूमन ने बनाया. अब उसकी यूजिबिलिटी भी और यूटिलिटी भी है, ठीक है. तो ये क्या रिसोर्सेज हो गए, ह्यूमन मेड रिसोर्स. मशीनरी है, व्हीकल्स है. अब पहले लोग क्या है, पैदल पैदल ट्रेवल करते थे, एनिमल्स के थ्रू ट्रेवल करते थे. फिर धीरे धीरे क्या हुआ, न्यू इन्वेंशन आई और ह्यूमन ने क्या किया, बुलेट कार्ट स्टार्ट किए. तो वो क्या है, एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बना, व्हीकल बना. आज हमारे पास कार्स हैं, वो क्या है, सारे ये क्या है, कार एक तरीके का रिसोर्स है. और वो किसने बनाया है, हमारे ह्यूमन्स ने. टेक्नोलॉजी इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स. टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी होती क्या है, इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ टेल्स नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स. ओके, नाउ टेक्नोलॉजी जो है वो एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, हमारे और इन्वेंशन आते जा रहे हैं. जैसे कि सोलर पैनल्स घर के ऊपर, सोलर पैनल्स लगाए जा रहे हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. बहुत सारे बायोगैस को हम यूज कर रहे हैं ताकि क्या पॉल्यूशन ना हो ज्यादा. तो ये सारी चीजें क्या है, न्यू टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं हम और न्यू इन्वेंशन कर रहे हैं. तो यही क्या है, हमारे ह्यूमन मेड रिसोर्स. स्किलफुल इन डूइंग एंड मेकिंग थिंग्स, this is what called as human made resource. After studying about types of resources as natural resource, human made resource, now we are going to study human resource. Human being itself is a very special resource. Human being क्यों एक special resource है? Human beings ने क्या है, inventions की है, उन्होंने technologies के बारे में जाना है. Human beings की capabilities like their physical, mental, IQ, intelligence, उनकी जो capabilities है, उनकी knowledge, उनकी health related knowledge, everything that they acquire helps them to make any substance or object to convert into a resource. That's why human himself is regarded as a special resource. Human जो है उसके पास क्या है, knowledge है. आदमी जो है उसके पास आजकल क्या है, बहुत ज्यादा knowledge है. तो वो knowledge जो है, एक idea आया. Suppose हम पहले, मैंने आपको जैसे बताया था, हम लोग पैदल पैदल चलते थे. Human के पास एक idea आया कि हमें क्या है, कुछ mode of transport बनाना चाहिए. तो उन्होंने क्या है, wheel को discover कर दिया. फिर उस wheel से क्या है, उन्होंने bullet cart बना ली. तो वो क्या है, एक तरीके का mode of
ट्रांसपोर्ट हो गया, फिर धीरे धीरे साइकिल, फोर व्हीलर्स, आजकल तो हमारी कितनी एडवांस कार्स आ चुकी हैं। ये सारी क्या ह्यूमन की ही इन्वेंशंस है, न्यू टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। आपने देखा होगा हमारे फोन्स में ही कितना डिफरेंस आ गया। पहले कीपैड फोन चलते थे छोटे से, आजकल हमारे कितने स्मार्टफोन्स आ गए, 4G फोन्स, 5G फोन्स। तो ये क्या है, इन्वेंशंस है, टेक्नोलॉजीज हैं, जो कि कौन कर रहा है, ह्यूमन कर रहा है, जो कि हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको यूज करके और एडवांस कर रहा है। दैट्स वाई ह्यूमन को हम खुद क्या बोलते हैं कि ये एक बहुत ही स्पेशल और इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, जो कि क्या है, हमारे अवेलेबल सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट्स को क्या है, एक रिसोर्स में कन्वर्ट कर देता है, जिनकी यूजबिलिटी भी होती है और यूटिलिटी भी होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो हमारे सोलर पैनल्स लगे हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये क्या है, ह्यूमन की एक इन्वेंशन ही है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये सब किसकी है, ह्यूमन की इन्वेंशन। नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, ये सब कौन कर रहा है, ह्यूमन कर रहा है, और इसी के कारण आज हमारा देश क्या है, इतनी ज्यादा प्रगति कर रहा है। अगर हमारे पास सिर्फ सिंपली रिसोर्सेज होते, हमारे पास कोई नॉलेज नहीं होती, तो क्या हम उन रिसोर्सेज को यूज कर पाते। जैसे हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी थी, उन लोगों के पास नॉलेज नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी, तो वो लोग कैसे रहते थे, बिल्कुल ही जैसे कि उनको किसी चीज की नॉलेज नहीं है। वो लोग फायर भी कितने टाइम बाद उन्होंने यूज करना स्टार्ट किया था, उनको कोई नॉलेज नहीं थी, सीधे वो हंट करते थे और खा लेते थे, तो उनमें लैक ऑफ नॉलेज थी। बट जैसे 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 टाइम बीतता गया, आगे टाइम बढ़ा, तो ह्यूमन के पास क्या है, नॉलेज आई, और धीरे धीरे लोगों ने क्या है, वो हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी से उन लोगों ने क्या कर ली थी, फूड प्रोडक्शन सोसाइटी। तो जैसे ही उनमें नॉलेज आई, तो उन्होंने क्या करा, खाने को स्टोर करना शुरू किया, रहने की जगह एक फिक्स्ड प्लेस बनाई कि हमें एक फिक्स्ड प्लेस पे रहना चाहिए, हमें कीप्स ऑन मूविंग नहीं करना चाहिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो ये सब क्या है, जैसे ही हमें नॉलेज आई, तो हमने क्या है, उसको इम्प्लाई किया और हमने उसको एक अच्छे नोट पे, जैसे कि हमने उसको एक रिसोर्स बना लिया। ओके, नाउ ऑल दीज थिंग्स कलेक्टिवली लेड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। अब लेटेस्ट एग्जाम्पल ये चंद्रयान 3, इंडिया का हमेशा के लिए नाम हो गया, मून पे लैंड किया है चंद्रयान 3। तो ये क्या है, हमारी नॉलेज को हमने यूज किया है। ओके, नाउ There is one term given in your NCERT, human resource development. Human resource development क्या होता है, Improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources. हम उनकी skills को और modify करें ताकि वो और resources बना सके, is human resource development. And what is resource conservation? Using resource carefully and giving them time to get renewed. Resource को हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं कि हम उस रिसोर्स को केयरफुली यूज कर सके। जैसे कि वाटर है, तो वाटर को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, वाटर को स्टोर करना चाहिए। जैसे कि डैम्स में हम स्टोर करते हैं, जिन प्लेसेस पे ड्राउट आ जाता है, लैक ऑफ वाटर हो जाता है, स्कार्सिटी ऑफ वाटर हो जाती है, तो इसलिए हमें क्या है, अपने रिसोर्सेस को सेव करना चाहिए फ्यूचर के लिए भी, और उनको इतना इनफ टाइम देना चाहिए कि वो क्या है, रिप्लानिश हो जाए। वाटर कैसे रिप्लानिश होगा, वॉटर साइकिल से। दैट इज कॉल्ड एज रिसोर्स कंजर्वेशन। दैट्स ऑल फॉर आर टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज वी हैव डन विद नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन इटसेल्फ इज अ रिसोर्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वॉट इज इट, बैलेंसिंग द नीड्स टू यूज रिसोर्स एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, हमें ये पता होना चाहिए कि हमें अभी कितने रिसोर्स की कितनी क्वांटिटी में नीड है, हम उसको उतना ही यूज करें और फ्यूचर के लिए सेव करें, उसी क्या बोलते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे कि हमें पता है आज हमारे घर में इतने लोग हैं, तो हमें इतना ही खाना बनाना है, तो वो खाना हम उसी टाइम फिनिश हो जाता है, और हमारा जो रॉ मटेरियल है हम उसको क्या है, सेव कर लेते हैं नेक्स्ट डे के लिए। अगर हम अवेयर नहीं होंगे कि हमारी नीड कितनी है, हमें कितनी क्वांटिटी आज यूज करनी है, तो हमारा खाना क्या होगा, वेस्ट होगा। तो उसी तरीके से हमें अवेयर होना चाहिए अपने रिसोर्सेज को लेके, उनके कंजर्वेशन को लेके, कि हमें अभी कितने रिसोर्स की नीड है, हम इसको यूज कर सकते हैं, और इसको हम क्या है, कितने को फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव कर सकते हैं। 3R प्रिंसिपल पे ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट काम करता है। एक तो क्या है, हमें रिड्यूस कर देना चाहिए अपना कंजप्शन, फिर हमें उस चीज को रिसाइकिल करना चाहिए और उसको वापस से रीयूज कर लेना चाहिए। जैसे कि अभी आप देखेंगे प्लास्टिक को बैन कर रहे हैं और पेपर बैग्स को स्टार्ट किया जा रहा है, क्यों, क्योंकि वो किससे बन रहे हैं, रिसाइकिल्ड ऑब्जेक्ट्स है वो। ओके,
नाउ प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. हमें हर फॉर्म ऑफ लाइफ को रिस्पेक्ट करनी चाहिए. मिनिमाइज द डिप्लीटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स. हम कैसे मिनिमाइज करेंगे नेचुरल रिसोर्स का डिप्लीटेशन? जैसे कि हमें डिफॉरेस्टेशन कम कर देना चाहिए, हमें वाटर को कम वेस्टेज करना चाहिए. जैसे कि हम ब्रश कर रहे होते हैं, हम वाटर का टैप ओपन छोड़ देते हैं, तो हमें वो वाटर जो उसको सेव करना चाहिए ताकि वो आगे काम आ सके. हम जब रूम से निकल जाते हैं तो हमें इलेक्ट्रिसिटी के लिए सेव करने के लिए हमें क्या है, सारे के सारे जितने भी हमारे स्विचेस हैं उनको स्विच ऑफ कर देना चाहिए. तो ये चीजें छोटी छोटी सी चीजें हैं जिससे हम क्या है हमारे रिसोर्सेज को सेव कर सकते हैं और जो हमारे एनवायरमेंट को डिप्लीट होने से बचा सकते हैं. Now change personal attitudes and practices towards the environment. As I told you, आप brush कर रहे हो, continuous tap open है, so you should close it. When you move out from the room, close all the switches, turn off all the switches. These are the little things which you can do and which can contribute to conserve your environment. So that's all for our chapter today named as resource. In this chapter we have talked about resource, anything, any substance or object which fulfills our need is called as a resource, but it has to fulfill two criteria. It should have usability and utility. Resources are of three types: natural resource, human made resource and human resource. Human itself is a very special रिसोर्स. आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट. हमें क्या है, रिसोर्सेज को खुद भी यूज करना चाहिए, उनको प्रिजर्व करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, सो दैट इट कैन बी यूज बाय आवर फ्यूचर जनरेशन. सो दैट्स ऑल फॉर आवर लेक्चर टूडे. इफ यू पीपल लाइक माई कंटेंट एंड वीडियो देन प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.